दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज जो है वो हमने सारा रूम जो है वो साफ कर दिया है। जो छत वाला रूम था, मैं छत पे खड़ा हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा हमने गंद शंद बाहर निकाल दिया है। ये जी हमारा रूम रेडी हो गया है। इसमें अब जो है सारे केजेस इधर लव बर्ड्स के लाके हम लगाएंगे। उसके अलावा ये सिर्फ ये थोड़ा सा सामान पड़ा है, ये कोने में पड़ा रहे, खैर है। बाकी सारा हर चीज इधर से उठा दिया, इसको वॉश कर दिया, अच्छी तरह इसको साफ कर दिया। ये जी हमारा फिश का टैंक है, इसमें हमने सारा पानी जो है वो निकाल के दोबारा नया पानी फिल कर दिया। बिल्कुल ये देखें, साफ सुथरा पानी हो गया। अब माशाल्लाह से हम फिशेज लेने जाते हैं, वकार को बुलाते हैं और उसके बाद उसको भी दिखाते हैं कि सारा रूम हमने। वकार, वकार इधर आ। अस्सलाम वालेकुम। वकार को दिखाते हैं, चेक कर रूम। माशाल्लाह, क्या बात है। ये तो बिफोर और आफ्टर का। ये सारा रूम साफ कर दिया है। अब इधर मैंने बताया था ना कि तुझे कि हमने वो लवबर्ड्स लाके लगाने हैं और उसके सारे केजेस हमने लगाने हैं। ये चेक कर। हाँ, मैंने देखा। और ये मछलियां भी आज लेने चलते हैं, क्या कहता है? चलते हैं यार। उसके बाद ये पानी फिल कर दिया है। इसके अंदर हमने ना कोई तीन चार चीजें ला के लगानी है, जैसे कि वो हो गया ऑक्सीजन फिल्टर लगाना है। हाँ, और उसके बाद इसको ना ऐसी बात है, वो नीचे से अगर बबल्स नहीं होंगे तो वो हाँ, को भी वो फीलिंग नहीं आएगी। और इसके अलावा जो है इसके अंदर हमने मछलियां ला के छोड़नी है। ये साइज चेक कर कैसा है? नहीं, बड़ा बेस्ट हो गया उनको, मतलब तैरने भी आसानी हो गई। और जो है इसमें ना, इसमें हमने ला के छोड़नी है कोई तकरीबन काफी ज्यादा कलरफुल ना मछलियां लेके आते हैं, वो लेके लेने चलते हैं अभी। और उसके अलावा ये जो हमने नीचे जो लवबर्ड है ना हमारे, उनके केजेस भी हमने ला के इधर लगाते हैं। उसके अलावा तो और ये इसमें ना, इसके अलावा जो है इधर मेरा ख्याल है कम अज कम 20-25 केज आराम से आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो 10-15 केजी तो हैं, वो ऊपर ला के रखेंगे और बाकी फिर जब जरूरत पड़ेगी तो वो फिर और ले आएंगे। और उसके अलावा तो जो एक चीज दिखाऊं, आजा शेड में चलते हैं, तुझे एक चीज दिखाता हूँ। भले जी, हम शेड में आ चुके हैं तो पता नहीं क्या मुझे ये दिखाने लगे हैं, लगता है कोई नया सरप्राइज जो है ना मिला हुआ है। जो हमारा व्हाइट शैम्पू है वो भी आगे से काटना शुरू हो गया, छोटे वाले। क्या बात है, ये मुझे लगता है अंडे दे रही है मुर्गियों ने। हाँ, इधर वो मुर्गी बैठी हुई है, ये इधर से इधर देख, वो देख वो। हाँ, इसको खोले ना, ऐसे सही नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। इधर देखते हैं कितने अंडे आए हैं। हाँ, देखते हैं कितने, चेक कर जरा। ये बैठी हुई है, मुझे लगता है काफी ज्यादा अंडे हैं इसके नीचे। इधर आ जरा, पीछे हो, पीछे हो। ये इधर से अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो नहीं यार, यहाँ से नजर नहीं आ रहा। अभी वो हटाते हैं भाई। वाह, ये देख क्या बात है। इसके अलावा तुझे एक और चीज दिखाता हूँ। हाँ हाँ, ये देख सर। और जो हमारा शामू मुर्गा है ना, वो वाला, ये वाला, वो आगे से अच्छा खासा काटना शुरू हो गया। सही हो गया। इसको थोड़ा सा ना हम इधर कर देते हैं, पीछे पीछे पीछे। अच्छा, मैं काफी दिन पहले आया था, तब तो ये शेड का कुछ भी नहीं था बना हुआ। ये मैंने भी पिछले हफ्ते बनवाया। हाँ, मैंने तो बताया था ना कि हमने शेड। यार असल में मेरे पेपर थे तो मैं थोड़ा बिजी था, तो पेपर में मैं जो है ना मैं देख नहीं सका व्लॉग वगैरह भी। ये देखिए जरा, क्या बात है, बहुत तेरी, क्या बात है। ये तो बड़ा अग्रेसिव हो गया है, वो आगे से बड़ा काटता है। ये देख, ओहो कैसा है, ये देख क्या बात अभी है। ये देख, ये देख आगे से पड़ता है, मैं तो इसको हाथ ही नहीं लगाता। ये मेरा इसने सारा दुख नहीं हाथ कर दिया। ये देख कैसा, बस इसको माशाल्लाह बड़ा अग्रेसिव हो गया ये तो। अच्छा, इसके अलावा हमारा वो जो तुझे एक चीज तुझे बताई नहीं है, क्या हमारी जो वो एंड पे कुड़क वाली ब्राउन मुर्गी थी ना, उसमें भी अंडे देने शुरू कर दिए। अच्छा, चार पांच अंडे उसने दे दिए हमें आज। वो देख, वो देख, वो देख, क्या बात है। मैं तो खोल के देखते हैं, खोल के देखते हैं। चले, ये देख ये बड़ा हुआ है, पकड़ ही लेता हूँ इसको। मुर्गा आगे तो पड़ता है, कोई नहीं कोई नहीं। कैसा, मैं कह रहा हूँ जबरदस्त हो गया। ये मेरा ख्याल इसका ना छठा अंडा है, और इसका ना ये जब दे देगी ना, ये अंडा काफी छोटा नहीं है। बस ठीक है, नॉर्मल ही है अंडा। हाँ, इसका वैसे पहले ये बड़े देती थी अंडे, अब ये छोटा थोड़े दे रही है। अब इसने 5-6 अंडे दे दिए हैं। इसके अलावा जब ये दे देगी ना कोई 10 अंडे, कुड़क हो जाएगी, इसको बच्चे इसको अंडों के बैठाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जाकर ये देख कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। ये वो जो हैच हुआ था हमारा, इसमें जो है था ना वो तीन थे, जो दो है वो एक्सपायर हो गए। वो हमने जब कैंडलिंग की थी तब तो ठीक थे, तब ठीक थे, हैच होने के बाद वो एक्सपायर हो गए थे, वो बीमार हो गए थे, तो उस वजह से बच नहीं सके। सही, ये माशाल्लाह चेक कर, आगे से ये भी काटता है।
चल आजा अब नीचे चलते हैं और नीचे जाके ना मैं तुझे लव बर्ड का कुछ दिखाता हूँ, उसमें भी जो है ना यार वो ना उनको बॉक्सेस लगाने हैं, लेकिन ये देख मौसम बड़ा गर्म है। नहीं अभी थोड़ा सा जो है ना सेट हो लेने दे, मैं कह रहा हूँ 15-20 दिन गुजर ले तो फिर मौसम ठीक हो जाएगा, इसीलिए जो है वो नीचे वाला आज रूम जो है वो रेडी किया है। हाँ मुझे वो बॉक्सेस भी नजर आ रहे हैं, वो सामने बॉक्सेस पड़े हुए हैं बाहर निकालने ताकि उनको धूप जो है वो लगे, और उसके बाद जो है ना हम ऊपर सारे केज भी ऊपर लेके आने हैं और उसके बाद उनको ना तक कोई तकरीबन हफ्ता लग जाएगा, फिर उसके बॉक्सेस लगाएंगे। चले सही है। और अब मैं तुझे लवबर्ड दिखाता हूँ, वो भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे तैयार हो गए। चले चले निकल जा। अपना ये पानी तो हमने फिल कर लिया है, आपको जल्दी ही ना इंशाल्लाह मशीनें देके आएंगे। हाँ चले। अच्छा इसको ना हमने ऐसा खुला नहीं छोड़ना ऊपर से, क्योंकि वो कोई चोटी वगैरह बैठी रहती है, पानी तो हमने फिल कर दी है। यहाँ तो अंधेरा, कोई लाइट शाइट जलाए। अच्छा ये देख क्या बात है, ये ना माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने पता क्या करना है, हमने एक तो इनकी ना पेयरिंग करनी है। अच्छा अब हमने ना उनकी पता क्या करना है, ये जो हमारे पुराने पेयर थे ना वो तो ऑलरेडी पेयर लगे हुए हैं। सही है। जैसे कि ये कुछ मतलब पेयर लगे हुए हैं, मैंने दोस्तों को दिखाया था। अच्छा दोस्तों हमने ना पता क्या करना है, जो पेयरिंग करनी है ना हमने इनकी ऊपर छत पे जाके करनी है, इनको जब शिफ्ट करेंगे ताकि अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अगर अच्छा ये तो मेरे ख्याल से पिंजरे हमारे पास बहुत ज्यादा कम होंगे, तो ये हमें पिंजरे और बनवाने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। पिंजरे कम है। अच्छा अभी ना इन सारे केजेस में पेयर नहीं लगे हुए, ये सही खाली है, ये तो खाली है, ये सारा पिंजरा खाली है। उसके अलावा इधर भी ना कुछ चार पांच पोर्शन खाली है, तो ना माशाल्लाह काफी बर्ड जो है ना तो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, पेयर लग जाएंगे इसमें से ना, और बाकी के जो है जो बच जाएंगे उनको कोशिश करेंगे कि इसी के अंदर लगा दें बॉक्सेस, इसी में वो ब्लीड करना शुरू कर देंगे, अंडे आने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा ना ये जो हमारा राह पेयर है ये भी नजर नहीं आ रहा, वो अंधेरा ना चलो कोई बात नहीं, खैर है इसको भी ना हमने ऊपर लेके जाना है, और तो हमने ना उसका केज थोड़ा सा छोटा है, उसको क्या करेंगे इधर शिफ्ट, क्या कहते हो ये? हाँ, ये उससे बड़ा, ये तकरीबन उसका मास्टर केज के हिसाब से बन जाएगा ये ना, उसके अंदर इसकी थोड़ी फ्लाई भी ज्यादा होगी, उसके अलावा ना वो इजिली ब्रीड भी सही करेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा तंग फ्लाई नहीं कर सकता। और ये मैंने अंडे मैं नीचे माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह बहुत बड़े इनमें इन भी ना ये फुल तैयार हो गए, इनको बॉक्स लगाएंगे ना तो ये ब्रीड करना शुरू कर देंगे। सही होगा। तो अब जो है क्या कहते हैं मछलियां लेने चले? हाँ यार मेरे ख्याल से अब आज क्या संडे है, तो मेरे ख्याल से कल चले या परसों चलते हैं, हमने पानी तो फिल कर लिया है आज, और थोड़े से काम है तो वो भी करवाने हैं, तो जरा फिर हमने पानी तो फिल कर लिया है, तो उसके बाद जो है मछलियां हम ले आएंगे तो उसके अंदर लाके छोड़ते हैं, तो उसके बाद जो है और क्या करना है हमने, हमने अब सिर्फ हमारा मेन काम है हमारा ऊपर कमरा रेडी हो गया, हमने इनको ऊपर शिफ्ट करना, हाँ मेरे ख्याल से कर देना चाहिए, ऊपर शिफ्ट करना है, और उसके बाद ऊपर ही हमने बॉक्सेस लगाने, बॉक्सेस जो है वो बाहर मैंने लगा दिए धूप वगैरह लगे ताकि उनकी जो जम वगैरह वो खत्म हो, उनको जो हमने ब्रीड है वो ऊपर वाले कमरे में करवा, वो खुले सारे खुले खुले गेट लग जाएंगे, और उसके बाद जो है हम ऊपर ही सारा क्वेश्चन का सेटअप बनाएंगे। तो अब आज की वीडियो मेरा ख्याल है यहाँ पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।